भाजपा महिला मोर्चा ने शहर में नारी शक्ति वंदन यात्रा निकाली। यात्रा में दर्जनों भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने जसपुर की जनता को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। यह कार्यक्रम आकांक्षा ठाकुर के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने झंडी दिखाकर विशाल महिला रैली का शुभारंभ किया। आकांक्षा ठाकुर ने बताया कि केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के बेमिसाल 10 साल को जनता भुला नहीं सकती। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नारी वंदन यात्रा है, ये केंद्र सरकार से लेके राज्य प्रदेश तक इस रैली का आयोजन किया गया है। यहाँ पे नारी शक्ति, हर नारी शक्ति अपने घर से निकलकर प्रदेश तक, जिले तक, विधानसभा तक, नगर तक, हर जगह ये रैली का आयोजन कर रहे हैं। और इस रैली को निकालने का मेन मकसद ये है, जो आज तक मोदी सरकार ने जितने भी कार्य किए हैं, इन 5 साल तो नहीं कहूँगी, 10 साल कहूँगी, 10 साल कहूँगी बेमिसाल। तो इन 10 सालों में जितने भी मोदी सरकार ने योजनाएं लेके आई हैं, वैसे तो करोड़ों योजनाएं लेके आई हैं, और उन योजनाओं पे काम भी हो रहा है। जैसे कि मातृ शक्ति वंदन योजना के निमित्त निकाली गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को है, इसी निमित्त महिला शक्ति को सम्मान देते हुए इस रैली का आयोजन किया गया है। और ये रैली धर्मशाला मंदिर से प्रारंभ होकर के, जिसका उद्घाटन माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी ने किया है। यहाँ से ये यात्रा धर्मशाला मंदिर से प्रारंभ हुई, उसके बाद ठाकुर मंदिर से आर्य समाज रोड से मेन मार्केट से पूर्णानंद विद्यालय, और उसके बाद कोतवाली थाना जसपुर से होते हुए इसका समापन धर्मशाला मंदिर पर भी हुआ।